हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो X100 फ़ोन है, तो वीवो X100 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर बैकग्राउंड रनिंग एप्स को ऑफ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में ऐप लॉक सेट कैसे कर सकते हैं और ऐप लॉक को कैसे लगा सकते हैं फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन के आइकन से शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन ओपन हो जाएंगे। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ऐप लॉक वगैरह को सेट कर सकते हैं और फ़ोन में ऐप लॉक कैसे लगा सकते हैं, तो सिंपली देख सकते हैं कि आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है और सेटिंग्स आपकी कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपके पास ये सेटिंग्स आती है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे जाते हैं, तो इस पर सिक्योरिटी पे जाकर जो भी आप ऐप लॉक को सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और फ़ोन में ऐप लॉक भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं कि जैसे आप प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन पे जाते हैं और पासवर्ड डाल के ओपन करेंगे, तो इसके जरिए भी ऐप लॉक को सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ऐप लॉक फ़ोन में लगा सकते हैं और जो भी ऐप्स के लॉक हैं आपके फ़ोन में सेट हो जाएंगे और कुछ इस तरीके से ऐप लॉक को सेट कर पाएंगे फ़ोन में। तो इस तरीके से भी ऐप लॉक को सेट कर सकते हैं फ़ोन में और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। और जैसे हम बैक करते हैं तो इन पर ऐप लॉक लग जाएगा और इस तरीके से आप ऐप लॉक को सेट कर पाएंगे। और आप चाहें तो ऐप लॉक को अनलॉक भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐप लॉक सेटिंग से आप सिक्योरिटी सेटिंग से ओपन कर रखी है, तो आपको प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन पर जाकर पासवर्ड डाल देना होगा, जहाँ से ऐप लॉक को यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आप इसको ऑफ कर देते हैं तो ऐप लॉक आपके फ़ोन से अनलॉक हो जाएगा और किसी भी ऐप्स में लॉक शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से ऐप लॉक को अनलॉक भी कर सकते हैं। आप सेट करना चाहें तो इस तरीके से ऑन करके सेट भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।